क्या आपने कभी देखा है कि किसी परिवार में महिलाएं अपने पति, भाई और पिता की सहमति से प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति में जाती हूँ? शायद नहीं, पर ऐसा होता है और भारत के किसी एक क्षेत्र में नहीं, ऐसा कई क्षेत्रों में होता है। ऐसी ही एक कम्युनिटी है राजस्थान के अलवर जिले की बेड़िया कम्युनिटी, जहाँ की महिलाएं परिवार की सहमति से प्रोस्टिट्यूशन में जाती हैं। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी की हेड प्रोफेसर अनुजा अग्रवाल, जिन्होंने इस विषय पर और इस कम्युनिटी के उत्थान के लिए उनके साथ रहकर लंबे समय तक रिसर्च की है। उन्होंने इसी विषय पर कई बुक्स भी लिखी, जिनमें से एक मोस्ट फेमस बुक है चेस्ट वाइफ्स एंड प्रोस्टिट्यूट सिस्टर्स। चलिए मिलते हैं प्रोफेसर अनुजा अग्रवाल। वेलकम मैम। मैम, आपने एक ऐसा टॉपिक रिसर्च के लिए चुना जो आमतौर पर लोग नहीं, बात भी करना पसंद नहीं करते हैं। एक ऐसी कम्युनिटी जहां प्रोस्टिट्यूशन ट्रेडिशन बन गया है कि वहां के जो पुरुष हैं फैमिली के, वो अपनी सहमति से ये करा रहे हैं। आपने ऐसा ही टॉपिक क्यों चुना रिसर्च के लिए? इसकी कहानी थोड़ी लंबी है और मेरी बात ये रिसर्च मैंने ऑलमोस्ट 25 साल पहले शुरू करी थी, तो ये काफ़ी पुरानी रिसर्च है। उस टाइम पे मेरे डिसिप्लिन में इस टाइप के टॉपिक पे कोई ज़्यादातर ना के बराबर रिसर्च थी और सिर्फ इसको सोशल वर्क के एरिया से देखा जाता था। तो हमारा फील्ड जो है सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये थोड़ा अलग है। ये इसका फोकस सोशल इंटरवेंशन से ज़्यादा सोशल अंडरस्टैंडिंग पे है, कैसे हम किसी चीज़ को समझ सकते हैं। तो एक चीज़ तो ये कि इस टॉपिक पे बहुत कम सोशियोलॉजिकल रिसर्च था। इनफैक्ट जब मैंने इससे रजिस्टर करने की कोशिश भी करी थी टॉपिक में, तो एक बार मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि आप सोशल वर्क डिपार्टमेंट में क्यों नहीं चले जाते हैं। इसको एक सोशल प्रॉब्लम की तरह देखा गया, लेकिन उसको समझने की कोशिश नहीं की गई, तो वो एक वजह थी। फिर दूसरा, मैंने इसका जो मेरा अपना निजी जो वजह थी कि एक वायलेंस अगेंस्ट वीमेन प्रोजेक्ट था जिससे मैंने जब मैंने मास्टर्स ख़त्म की थी, तो सेंटर फॉर वीमेंस डेवलपमेंट स्टडीज एक सेंटर है, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट में काम किया था। कई सारे कैटेगरीज ऑफ वायलेंस पे एज अ रिसर्च असिस्टेंट मैंने देखा, तो ये एक अलग टाइप का टॉपिक उस टाइम मुझे नजर आया, जिसमें बिल्कुल इसका अटेंशन फोकस बिल्कुल अलग था, क्योंकि और जितने भी टॉपिक्स थे जैसे डाउरी या सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह, उनमें विमेन विक्टिम की तरह थी। और इसमें इसमें ऐसा लग रहा था कि विमेन खुद एक ऐसी पोजिशन में है जो जो क्लियर नहीं है कि क्या वो विक्टिम है, क्या वो कुछ और है, कुछ क्रिमिनलाइज्ड भी है प्रोस्टिट्यूशन किसी कंडीशन में। तो ये मुझे एकदम अच्छे लगा, तो पर्सनल तौर पे मुझे उसी में तभी से इंटरेस्ट हो गया कि ये इसको समझने की कोशिश करो। तो बट बेड़िया कम्युनिटी ही क्यों? हाँ, तो ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ मेरा फोकस बेड़िया पे। शुरू में जनरल इंटरेस्ट था इस टॉपिक में, लेकिन जैसे जैसे मैं उसमें और अंदर जाती गई, तो इस नॉलेज ये जानकारी मेरी बढ़ी कि ऐसी भी ट्रेडिशनली एंगेज्ड इन प्रोस्टिट्यूशन माना जाता है, उसका कास्ट से स्ट्रॉन्ग लिंक है। और क्योंकि मेरे डिसिप्लिन में ये कास्ट वाला फोकस काफ़ी रहा है या इस तरह की कम्युनिटी बेस्ड स्टडीज रही हैं, तो ये एक नया एंगल था जिसके ऊपर ऑलमोस्ट कोई स्टडी नहीं थी उस टाइम। बस वही थोड़े एनजीओ के इंटरवेंशन वगैरह थे, जर्नलिस्टिक रिपोर्ट्स थी या इस टाइप की थी मटेरियल, कोई भी इनडेप्थ स्टडी नहीं थी। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आज तक भी कोई और इनडेप्थ स्टडी जैसी मैंने स्टडी करी थी नहीं है इस टॉपिक के ऊपर। तो इसलिए हाँ, इस तरह से जैसे अपने टीचर्स के कंसल्टेशन में या जैसे, फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें इस टॉपिक पे रिसर्च करनी है, तो ये बहुत इसका एक इंटरेस्टिंग एरिया होगा, इसमें कोई रिसर्च नहीं है और इसके बारे में हमारी जानकारी भी नहीं है। तो उस तरह से वो धीरे धीरे 4-5 साल में ये इंटरेस्ट इवॉल्व हुआ, मतलब जब से मैंने सोचा कि मैं ये करूँ
और फाइनली जाके जब मैंने करा, इसमें काफी लंबा गैप था, बीच में मैं जॉब भी करने लग गई, फिर मैंने रजिस्टर किया पीएचडी के लिए, तो उस एक लंबे टाइम तक ये इवॉल्व हुआ मेरा इंटरेस्ट, और फिर मैंने इस पर रिसर्च शुरू करी। शायद इसीलिए मीडिया कम्युनिटी के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं है उस तरह से, इस तरह से होनी चाहिए थी। हाँ, मतलब उससे ऐसा है कि एक खाली बेडिया कम्युनिटी ही नहीं है ये, एक नॉर्थ इंडिया में बेडिया कम्युनिटी का नाम इस पेशेवर वेश्यावृत्ति से अटैच्ड है, लेकिन और भी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं। ये एक लार्जर बेडिया कम्युनिटी भी एक लार्जर डीएनटी डीनोटिफाइड कम्युनिटीज का भाग है, जिसमें भी और ऐसी कम्युनिटीज हैं और नॉन डीएनटी कम्युनिटीज भी हो सकती हैं। तो ये चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ये खाली बेडिया कम्युनिटी नहीं है, साउथ इंडिया में भी कुछ और अलग टाइप के भी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि देवदासी जो कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस से भी अटैच्ड है, जो वहाँ पे भी एक टाइप का ट्रेडिशनल और फैमिली एस्पेक्ट आ जाता है, लेकिन उसको भी बहुत ज़्यादा फैमिली एंगल से नहीं देखा गया, उसको रिलीजियस प्रोस्टिट्यूशन की तरह देखा गया। तो देवदासी प्रैक्टिस वगैरह के ऊपर थी कुछ स्टडीज उस टाइम भी, थी अब भी हैं, लेकिन ये इस टाइप का हेरिडिटरी फैमिली प्रोस्टिट्यूशन और इसके बारे में काफ़ी सारे भ्रम भी थे एक टाइप का, इन अभी भी ये खतरा है कि हम इसको, इन कम्युनिटीज़ को स्टिग्मेटाइज करें इस तरह की बात करके, और काफ़ी उससे वो लोग भी काफ़ी अपसेट होते हैं, क्योंकि हमको ये बात सबसे पहले मान लेनी चाहिए कि ये एक टाइप का मोड ऑफ सर्वाइवल है एक ऐसी कम्युनिटी का, जो कि हिस्टोरिकली बहुत मार्जिनलाइज्ड रहे स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रिटिश पीरियड और मे बी इवन अर्लियर देन दैट, क्योंकि ये एक पार्ट है लार्जर नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज का, जो कि जिनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था हमारी सोसाइटी में हिस्टोरिकली, लाइक बंजारा। हाँ, बंजारा एक मतलब वेल नोन टर्म है, लेकिन हाँ नाउ नोमैडिक कम्युनिटीज में बहुत कम्युनिटीज आती हैं अलग अलग टाइप के, तरह से वो लोग सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते थे, कुछ नाच गा के, कुछ एंटरटेन करके, कुछ ट्रेडिंग करके, कुछ यू नो, जब जब मोट हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं बना हुआ था तो उन लोगों का काम था काफ़ी एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें लेके जाने का। तो जैसे जैसे नए हमारी टेक्नोलॉजी चेंज होती गई, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे बदले, तो इन लोगों की जैसे ज़रूरत सी खत्म होती गई, फिर जैसे ये एंटरटेन करते थे वो चीज़ें भी धीरे 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 करके ख़त्म होती गई, तो इन लोगों के पास, और इन लोगों को जैसे हर सरकार ने, चाहे वो अंग्रेजी सरकार थी या बाद में हमारी अपनी सरकार, उन लोगों ने इनको एक तरह से आउटसाइडर माना और खतरा माना, क्योंकि ये लोग एक जगह सेटल होकर रहने वाले लोग नहीं थे। खतरा क्यों मैम? क्योंकि वो उस तरह जैसे जिसे हम सेडेंटरी सेटल पॉपुलेशन बोलते हैं, उसकी तरह एक जगह रुक के रहने वाले लोग नहीं थे, तो ये इनको ऐसे देखा गया कि ये कंट्रोल में नहीं है, और ये उनके साथ और तरह की एक्टिविटीज की, भाई चोरी चकारी हर तरह की, इस तरह की एक्टिविटीज का उन पे लांछन लगाया गया, उस तरह की चीजें हुई भी, लेकिन मेरा ये कहने का है, और इसके ऊपर काफी स्टडीज हैं, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट एक पास हुआ था 1871 में कॉलोनियल पीरियड में, तो उस तरह के एक्ट्स ने इस इन कम्युनिटीज को बहुत मार्जिनलाइज किया, और उससे बचने के लिए इन लोगों ने बहुत सारे तौर तरीके अपनाए। तो मेरी जो भी हिस्टोरिकल रिसर्च इस पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है इन चीज़ों के बारे में, लेकिन जो भी मैंने अपनी रिसर्च करी उससे ये पाया कि ये जो प्रोस्टिट्यूशन की तरफ ये लोग बढ़े, उसका काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन ये जो क्रिमिनलाइजेशन हुआ इन कम्युनिटीज़ का उसका था। उससे बचने के लिए इन्होंने ये सब कहना भी शुरू किया कि नहीं नहीं हम लोग चोरी चकारी नहीं करते हैं, हमारी तो औरतें ये धंधा करती हैं, और उस हमें ये ध्यान रखना है कि उस टाइम ये इस चीज को क्रिमिनल नहीं माना जाता था किसी, तो ये एक तरह का लेजिटिमेट उनके पास रीजन था कि हम ये काम कर रहे हैं तो हमें क्रिमिनल नहीं माना जाए, हमें क्रिमिनल ट्राइब की तरह नहीं ट्रीट किया जाए। और फिर वो धीरे धीरे, क्योंकि एक नाच गाने का वो भी था और फिर एक प्रथा की तरह वो बनता चला गया, मतलब ये कोई बहुत हजारों साल पुरानी वो नहीं है, इसका कोई हमारे पास इतना प्रूफ नहीं है कि हम दिखा सकें कि ये हमेशा से चल रहा है। ये जो मैंने भी ग्रुप जिसके साथ डिटेल स्टडी करी उसमें मैं यही दिखा पाई कि 3-4 जनरेशन तक हम पीछे देख सकते हैं, और उसमें शुरुआत में ये कि भाई वो नाच गाना था, फिर वो थोड़ा थोड़ा करके कमर्शियल
और बहुत ज्यादा वो एकदम क्रास कमर्शियल फॉर्म वो लेता चला गया. ये चेंज होता रहता है जेनरेशन, ये नहीं है कि कोई फिक्स्ड उसका वो है रूप, वो बदलता जाएगा जैसे जैसे एक जेनरेशन से नेक्स्ट जेनरेशन में फिर उससे. और फिर वो इतना उनकी क्या कहना चाहिए कि उनके रहन सहन का और उनके लाइवलीहुड का इतना इम्पॉर्टेंट अंग बन गया कि उससे निकलना फिर उनके लिए ना के बराबर नामुमकिन सही हो गया. क्योंकि जो कम्युनिटी इस चीज को अब एक्सेप्ट उन्होंने कर लिया, मतलब ये जो हम लोग उसके बाहर हैं उसको हमें लगता है ये बहुत अजीब सी बात है, लेकिन जहां पे ये चीज एक्सेप्ट हो गई और एक तरह का उसने इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म ले लिया, तो उनके लिए वो चीज को एक्सेप्ट करना अब वो बात नहीं रही और उनके पास और कोई जरिया नहीं रहा अपनी लाइवलीहुड का. और जो भी और जरिए थे या तो वो क्रिमिनलाइज थे या फिर उनको कोई क्योंकि इतना स्टिग्मेटाइज्ड और आउटसाइड रहे वो सोसाइटी के कि उन्हें कोई एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं, तो उन्होंने इसी को अपना धंधा बना लिया, इसी को ये कहने लगे यही हमारा ट्रेडिशन है, यही हमारी वो है. तो वो करते 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 वो इस तरह का इसने रूप ले लिया, यानी समाज में अछूतों को रखा गया वैसे कुछ. हाँ, मतलब एक तरफ ये थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वो अछूत या जो अनटचेबल कम्युनिटीज जिनको हम बोलते रहे वो एक सेटल्ड समाज का पार्ट रहे हैं जिसमें उनका कुछ रोल था, जिस चाहे जितने ही उनको मतलब उससे उसमें धिक्कारा गया लेकिन वो एक सेटल्ड समाज का में एक लेबरिंग उनकी रोल थी. ये लोग सेटल्ड समाज को नहीं बिलोंग करते हैं, ये उसके बाहर थे. तो इन लोग को अपनी प्राइड भी बहुत है अभी भी आज की तारीख में. ये लोग अपनों को अपने को राजपूत के वंशज समझते हैं और कहते हैं और मतलब उसी तरह के नाम इस्तेमाल करते हैं. ये चीज काफी कम्युनिटीज में पाई जाती है, खाली इनमें नहीं पर काफी डीएनटी कम्युनिटीज जो इस धंधे में नहीं भी हैं वो भी इस चीज को असर्ट करते हैं कि हम एक मार्शल वो हैं, रेस नहीं मार्शल मतलब एक कम्युनिटी है जो जिन्हों जो हम वॉरियर हैं, हमने लड़ाई करी, हम मतलब हमने रेजिस्ट किया ब्रिटिश को. तो वो उनकी आइडेंटिटी जो है वैसे उन्हें मेन स्ट्रीम जिसे हम कहेंगे वो लोग उन्हें अछूत की तरह मान सकते हैं लेकिन वो अपने को अछूत नहीं मानते. वो उनकी अपनी स्ट्रॉन्ग सेल्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट और आइडेंटिटी है और वो और अछूत लोगों को भी अपने जैसा नहीं मानते, वो उनके साथ उनसे अलग. तो ये इसमें मतलब कह सकते हैं कि उनका सेल्फ परसेप्शन और जो सोसाइटी का परसेप्शन उनका है उसमें बहुत फर्क है. वो अपने को मतलब वो अपने को काफी वो कहते हैं, वो आप उनसे बात करेंगे कि भाई आप ऐसा काम कर रहे हैं तो वो आपसे बोलेंगे आजकल तो कॉलेज की लड़कियां भी ये काम करती हैं, आजकल तो ऊंचे समाज की लड़कियां. और इसमें कोई झूठ नहीं है कि हर समाज से आपको ऐसे कोई ना कोई व्यक्ति मिल सकता है जो इस टाइप के धंधे में हो किसी भी वजह से हो. तो वो ये कहते हैं ये तो हमारा तो धंधा है, हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी करते चला रहे हैं, हम तो खुल के कर रहे हैं, आप लोग छुप के कर रहे हो. तो उनको इसके बारे में काफी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी इसकी उनकी अलग है. वो अपना ऑलमोस्ट राइट हक मानते हैं कि हम इस तरह से कमा रहे हैं और हमारे भी नियम है कोई, हम ऐसे नहीं है कि हम हर चीज जैसे ऐसा नहीं है कि एक, एक शादीशुदा औरत को ये काम नहीं करने देंगे. उनके उनके घर में भी नियम है कि कौन ये कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कब कर सकता है और क्या. उनके खुद के समाज के लोग उनके साथ इस टाइप के व्यवहार नहीं कर सकते हैं. तो वो भी काफी रूल बाउंड उनका सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई उनके नियम नहीं है, कोई उनकी मोरालिटी नहीं है. वो काफी एक टाइटली बाउंड कम्युनिटी में अपनी लाइवलीहुड के लिए किसी चीज को उन्होंने ऐसा एक्सेप्ट किया है. प्रॉपर्ली मैनेज, हाँ मैनेज. देखिए मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं है भाई, इसमें महिलाएं इन्वॉल्व हैं, उनकी समाज के पुरुष इन्वॉल्व हैं, एक्सप्लॉयटेशन भी होता है कई कई बार. मतलब अब देखिए मैंने तो उस रिसर्च काफी पहले की थी लेकिन कम उम्र की लड़कियों को भी इसमें प्रोत्साहित किया जाता है जाने के लिए और वो जाती भी हैं, पर उनके क्या ऑप्शंस हैं ये हमें देखना पड़ेगा. किस तरह के की शादी होगी उनकी अगर वो ये नहीं करेंगी, कहाँ वो जाएंगी, क्या उनके मेल पार्टनर्स करेंगे. तो वो सारी तो उसका एक सिस्टम बनेगा. मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि ये ऑर्गेनाइज भी है एक तरह से, लेकिन एक सिस्टमिक तरीका बन गया है उसको करने का जो कि काफी मतलब अडेप्ट भी करता है चेंजेस के साथ, जो काफी सफर भी करता है जब कभी पुशबैक होता है या कोई नए कानून बनते हैं या कोई नया ऐसा सिचुएशन खड़ी होती है जिसमें कि अब जैसे कई बार ये लोग हाईवे पे रहते हैं, अब हाईवे में वहां पे अगर
फ्लाईओवर बन गया या कुछ ऐसा हुआ कि उनकी जो जगह थी उसको बिल्कुल हट गई उधर से, तो वो एकदम से बेसहारा से हो जाएंगे और उनके पास कुछ नहीं बचेगा। तो मतलब वो बहुत ही तिरस्कृत एक वो है, जिनको कि मेन समाज तो उनके लिए उनको कुछ उनके लिए, चाहे वो खुद रात में वहां जाते हैं पुलिस वाले हैं या ऐसा है ये, हाँ। मतलब उन्होंने समाज की जितनी गंदगी है वो देख चुके हैं, वो जानते हैं कि असली समाज क्या है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे समाज का उसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि लोग जो वो कहेंगे कि आता कौन है हमारे पास, आते तो बाहर वाले ही हैं, उनके खुद के समाज में ये चीज अलाउड नहीं है कि हमारी बेड़िया आदमी ही बेड़िया औरत के पास जाएगा, वो तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो एक्चुअली ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बाहर वाला समाज ही इस चीज को अलाउ कर रहा है और उसी की वजह से वो चल रहा है। अगर वो जाना बंद कर दें लोग तो वो कैसे इसका ये काम नहीं चल सकता है। बिल्कुल। तो उनकी मतलब जो मैंने अपनी रिसर्च के थ्रू करने की कोशिश करी है और जो कि मतलब सोशल साइंस को करना चाहिए कि हम जो लोग जिसके बारे में हमें सब इतनी तरह के भ्रम हैं गलत फहमियां हैं उसको उनकी तरफ से हम दिखा सकें कि वो उसको कैसे देखते हैं और उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस सब को करने में। वो कोई ये नहीं है कि भाई जी हमारा ट्रेडिशन है तो हम करे जा रहे हैं, अल्टीमेटली ये लाइवलीहुड का इशू है और उसमें फिर ये बाकी समाज की उसमें मैं कहूंगी पूरी कंट्रीब्यूशन है कि वो चल रहा है। बिल्कुल। इसको पूरा जो सिस्टम है उसको नाम दिया गया फैमिली प्रोस्टिट्यूशन, एंड इसमें बट जब फैमिली तो एक पूरा जॉइंट हिस्सा होती है सभी मेंबर्स का, तो जब उसमें लिवलीहुड जो वुमेन्स की वजह से चल रही है, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन ही कर रही है, तो जो हेड का जो रोल है फैमिली में वो भी वुमेन्स के हाथ में आ जाता होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा हम सोचते हैं और ये सोच एक रही है इस तरह की कम्युनिटीज के बारे में कि क्योंकि वो कमा रही हैं तो जरूर उनका उसमें वर्चस्व होगा या डोमिनेशन होगा। फर्क तो पड़ता है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी कि उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है कि अब आदमी उनके नीचे आ वहां। वो फिर भी एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और मैंने जैसे बताया कि वहां पे, और यही टाइटल है मेरी किताब का कि चेस्ट यू नो वाइव्स एंड प्रोस्टिट्यूट सिस्टर्स, कि उसमें जो औरतें बेड़िया आदमियों से शादी जिनकी होती है वो इस धंधे को नहीं करती हैं, तो उनको बिल्कुल अच्छे बिल्कुल ट्रेडिशनल से भी ज्यादा ट्रेडिशनल वाइव्स की तरह रखा जाता है, जिनके ऊपर बहुत कंट्रोल होता है। मतलब इसको इस चीज को वो बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं कि हमारी जो गृहस्थिन है वो किसी की तरफ देख भी नहीं सकती, वो तो घर से निकल भी नहीं सकती, तो वहां पे एक मेल डोमिनेशन की बात आ गई। प्लस ये जो कमाती हैं लड़कियां तो वो कमा के अपने घर में अपने बाप भाइयों को देती हैं, तो और वो लोग कई बार ऐसा भी होता है कि, और ज्यादातर ऐसा उस टाइम एटलीस्ट देखा गया कि वो आदमी बिल्कुल कोई और काम नहीं करते, लेकिन काम नहीं करने का ये मतलब नहीं है कि वो कंट्रोल में है, वो उल्टे इंजॉय कर रहे हैं। एक तरह से आप देखिए जो आदमी काम नहीं कर रहा जरूरी नहीं है कि उसकी पोजीशन नीचे, वो काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो काम नहीं करने की चॉइस है उसके पास। तो इसमें ये जरूर है कि वो जो महिलाएं जो इस धंधे में हैं वो जो घर गृहस्थिन औरतें हैं उनसे उनकी पोजीशन थोड़ी ऊपर होगी क्योंकि वो कमा रही हैं तो थोड़ी कंट्रोल उनकी होती है, लेकिन इसको बिल्कुल उल्टा ये मेल फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी मानना वो गलत होगा, क्योंकि अगर कोई औरत इसको रेजिस्ट करती है या कुछ तो तब उसको पता चलता है कि वो कितनी फ्रीडम है उसको या नहीं है। अगर वो किसी एक आदमी के साथ उसका ज्यादा अच्छा रिश्ता बन जाता है, वो चाहती है कि मैं इस धंधे को छोड़ दूं, मैं उसके साथ वहां की भाषा में कहेंगे मैं उसके साथ बैठ जाऊं, शादी ना भी, मतलब ये एक टर्म है लोकल वहां का, तो उसको उस चीज की अनुमति नहीं मिलती आसानी से अपनी फैमिली से, उसका काफी उसको रेजिस्ट करना पड़ता है। मतलब तो पैट्रियार्की उसी फॉर्म में है। उसी फॉर्म में देखिए हर चीज सेम नहीं रहती है, चीजें बदलती हैं, लेकिन वो रहती है उसमें है। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो जा ही नहीं सकती है और ये तो नियम है, लेकिन जो जहां मैंने स्टडी किया कम से कम जो पार्ट मैंने देखा उसमें औरतें पूरे कंट्रोल में नहीं है। पर हाँ ऐसा भी नहीं है कि ये हर और समाज की तरह ही है इसमें भी, लेकिन इसमें औरतें दो ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं जिसमें एक वाइव्स हो गई और एक सिस्टर्स हो गई, तो उनकी आपस में भी एक सब लोग एक से नहीं है, उसमें एज का डिफरेंस भी है। मैंने कहा ना जैसे वाइव्स इस काम को नहीं करती हैं तो वो उनकी कैटेगरी, और जो बहनें और बेटियां जो ये काम करती हैं उनकी कैटेगरी अलग अलग है, उनकी पोजीशन अलग है समाज में, क्योंकि रहन सहन में भी कोई अंतर है। बिल्कुल, क्योंकि एक बैठ के धंधा कर रही है और एक घर में खाना बना रही
एक बच्चे पैदा करने की मशीन है, एक पैसा कमाने के लिए, तो ऑब्वियसली उनकी पोजीशन में फर्क है, ऑब्वियसली उनकी पोजीशन में घर एक ऑलमोस्ट कहीं ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं कि वो जो वाइफ है वो ऑलमोस्ट उनकी नौकरानी की तरह है, क्योंकि वो उनके भाई की वाइफ है, वो बहुत उसकी नीचे सबसे लोअर पोजीशन उसकी आ जाती है, और वो अपनी ये जो उनकी बहनें हैं क्योंकि कमा तो वो ही रही है ना, और वो कमा के भाई को और उसकी पूरी फैमिली को दे रही है जब तक उनके बच्चे खुद होके या बेटियां खुद नहीं कमाने लगती, तो उसका भी इंटरेस्ट हो जाता है इस सब में। तो ये जो वाइफ आती है उसकी लड़कियां इस धंधे को करेंगी और वो क्योंकि वो सब उसमें उस सिस्टम का पार्ट है। तो आप ये सोचिए ना कि ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लड़की बड़ी हो रही है उस समाज में वो देख रही है कि अगर मैं कल शादी करती हूँ तो मेरी पोजिशन ये होगी कि मैं ऐसे घर में रहूंगी जहां एक बहन मेरे को मेरे मेरे हस्बैंड की बहन या कल मेरी बेटी मुझे कमा के खिलाएगी, और नहीं तो मैं खुद कमा के खिलाऊंगी, तो इसमें क्या मेरे, और मैं कमा के खिलाऊंगी तो कम से कम मेरी कुछ साल कुछ तो इज्जत अपने समाज में ही रहेगा कि करके खिलाया है मैंने, है ना। तो और ये सारी चीज इससे लिंक की जाती है कि हम करके खा रहे हैं, मतलब ये लाइवलीहुड वाली बात है, इसको हमें सर्वाइवल के लिए हम कर रहे हैं, और करना ये करके खिलाना एक तरह की हमारी समाज में हमें इज्जत देता है इस चीज के लिए, चाहे बाहर वाले उसकी कोई इज्जत ना करें लेकिन उसमें समाज में उसकी ये है कि ये बहन करके कर रही है। लेकिन वही मैंने बात मेल डोमिनेशन वाली बात जो करी कि अगर वो कल करके खिलाना बंद कर दे तो वो सारी इज्जत उसकी उसको फिर बहुत परेशानी हो सकती है उस चीज के लिए। ये स्ट्रगल मैंने देखी कहीं, मतलब वो छोड़ भी नहीं सकती है, नहीं छोड़ सकती आसानी से जब तक कम से कम उसकी कमाने की उम्र है इसकी। ये कोई ऐसा धंधा नहीं है जो आप पूरी जिंदगी कर लोगे, लेकिन जब तक आपकी कमाने की उम्र है उसमें आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ये करोगे। जो औरतें वहां करती हैं राजस्थान में वहां रह के अपनी कम्युनिटी में, फिर कुछ औरतें ऐसी भी तो होंगी जो बाहर जाती होंगी। हाँ, तो वो एक पूरा सिस्टम है, देखिए चाहे वो बंबई जाएं, चाहे वो दिल्ली आएं, चाहे वो कहीं नागपुर जाएं या गोवा जाएं या कहीं भी किसी भी, ये कई शहरों में हमारे ये सो कॉल्ड रेड लाइट एरिया ब्रॉथल एरियाज रहे हैं पुराने, अब तो काफी चेंजेस हो रही हैं चीजों में, लेकिन ये पुराना एक ब्रिटिश टाइम से ये सिस्टम आ रहा है, इस तरह की चीजें बनी थी ये सोल्जर्स वगैरह के लिए, मेल सोल्जर्स, ब्रिटिश सोल्जर्स, कुछ और पुरानी इस तरह के एरियाज हैं तो रेड लाइट एरिया जिन्हें बोला जाता है, तो उसमें आना जाना लगा रहता है। ये कोई वो ये नहीं है कि वो अलग टाइप है ये अलग टाइप है, यहीं से लोग वहां जाते हैं, वहां से यहाँ आते हैं, ये नेटवर्क है आपस में सब लोगों का। और कई सारे दिल्ली में भी जैसे ऐसे कुछ ब्रॉथल्स या कोठे जिन्हें बोला जाता है, अब ये पुरानी बात हो गई तो मैं आज की तारीख का नहीं कह सकती हूँ, लेकिन उस टाइम कुछ थे जो वेडिया लोगों के थे, वो ओन भी करते हैं, वो चलाते हैं ब्रॉथल्स को, नॉट जस्ट कि वो लड़कियां वहां काम करती हैं, ये ओन भी करते हैं उस हायरार्की में, ये ओनरशिप भी है। तो हर एक जना उस पोजिशन पे नहीं होता, लेकिन वो उनकी एस्पिरेशन हो जाती है, क्योंकि आप एक ऐसी जगह में बैठ के एक कोठा चला सकते हो तो आपको खुद ये धंधा करने की जरूरत नहीं है, फिर आप औरों के काम की कमाई से खा सकते हो। तो उसका वो एक तरह की, अगर आप कहो कि उनकी क्या एस्पिरेशन है उसमें, तो उसमें ये होगी कि मैं ऐसा बन जाऊं कि मैं बैठ के खाऊं और वो कर कमा के मुझे दें। ये खाली फैमिली नहीं, फिर वो अलग सिस्टम बन जाता है, क्योंकि ये धंधा चलाने के लिए आपको एक जगह चाहिए जहां से आप ये धंधा चलाओगे, तो या तो वो हाईवे है या कोई, तो जो कई कम्युनिटीज हैं जो ऐसी लोकेशन है उनकी, वो वहां पे ये धंधा कर सकते हैं। कुछ बिल्कुल इंटीरियर्स में रहते हैं जहां पे ये स्कोप है ही नहीं कि वो वहां रह के ये काम कर सकें, कोई एक दो गांव में उन्होंने किसी के साथ रिलेशन बना लिया तो उससे पूरा घर नहीं चलेगा, तो वो लड़कियां जाती हैं और वो ये जैसे बार डांसर डांसिंग का था उस, और वो काफी मतलब उसमें जो बार डांसिंग पे बैन वगैरह बंबई में लगा था उससे इनके ऊपर काफी बुरा असर पड़ा था, उसमें काफी लड़कियां इस यहां की कम्युनिटीज की हैं, बेड़िया कंजर ये कई सारी कम्युनिटीज हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, तो इससे बहुत सारी लड़कियां, तो वहां पे जब बैन लगा तो वापस कहीं पे कोई रेड पड़ता है तो पूरे उथल पुथल सारे में मचती है फिर। बट रेड की जो बात है, कई जगह मैंने देखा जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है चाहे वो दिल्ली हो मुंबई हो, जहाँ रेड लाइट एरिया है वहीं पास में पुलिस चौकी भी होती है कई जगह, बट स्टिल वो चीजें चलती हैं। तो ये सब ऐसा है ना कि मतलब ये एक ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ पता नहीं है, ये सब चीजें पता जानकारी के साथ चलती हैं, और ये एक तरीके ग्रे एरिया में आती हैं, ऐसा कोई एकदम ऐसा कानून नहीं है कि बिल्कुल होना नहीं चाहिए। और जो गैर कानूनी भी चीजें होती हैं वो हमारे यहाँ चलती हैं, हम सब जानते हैं कि हर तरह की गैर कानूनी धंधे का सिस्टम होता है चलने का एक, तो वो एक अलग इश्यू है, ये कोई किसी इसके छुपी नहीं रहती ये चीजें, लेकिन वो तरीके होते हैं उसको करने के। क्या प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज है इंडिया में?
नहीं लीगल, देखिए प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज्ड नहीं है, मतलब लेकिन प्रोस्टिट्यूशन टोटली क्रिमिनलाइज्ड भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, ना तो वो लीगलाइज्ड होना चाहिए, मतलब क्योंकि लीगलाइज्ड का मतलब ये हो गया, जैसे हम लोग कॉमन भाषा में समझते हैं ये, सो हमें लगता है ये अच्छी चीज है, लेकिन लीगलाइज का मतलब जो इसका लिटरेचर अगर आप पढ़ेंगे लॉ के ऊपर, जो कि मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं है बट जस्ट जनरल बात कर रही हूँ मैं, तो उसमें वो लीगलाइजेशन का मतलब ये हो जाता है कि ऑलमोस्ट उसका एक स्टेट रेगुलेशन, और जिसमें कि उन्हें लाइसेंस दो, ये करो वो करो, तो इस तरह की चीजें शुरू की गई थी ब्रिटिश टाइम में, जो ये जैसे मैंने बताया ना ये रेड लाइट एरिया वगैरह ये बने उस टाइम, तो ये एक तरह का कि ये और इस तरह के और लॉज जैसे कंटेजियस डिजीजेज एक्ट वगैरह की हमें इनको ये मतलब साफ सुथरे उसमें रहें, इन्हें खुद डिजीज ना हो और ये फिर सर्विस दें मेल सोल्जर्स को या जैसे, तो ये एक बड़ा पेट्रियार्कल टाइप का सिस्टम था वो भी, या बड़ा मतलब प्रॉब्लमेटिक सिस्टम था जिसमें कि कंट्रोल स्टेट करेगी या कोई और ऑर्गेनाइजेशन करेगी इन औरतों के ऊपर उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो वो चीज आज की तारीख में ज्यादातर फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो इस टॉपिक के ऊपर काम करती हैं वो इसको बिल्कुल फेवर नहीं करती, वो ना ही वो क्रिमिनलाइजेशन को फेवर करती हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि ये ज्यादातर लाइवलीहुड का इशू रहता है, तो जो क्रिमिनलाइज है वो एक तरह से चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन क्रिमिनलाइज है और ये एक तरह का हमारी कंट्री में ये ग्रे जोन जिसे बोलते हैं टॉलरेशनिस्ट उसमें आता है, जहां पे कि एकदम क्लियर कट वो नहीं होती पोजीशन उसमें, मतलब एक तरह से वो है भी एक्सेप्टेड और एक तरह से वो नहीं भी है एक्सेप्टेड, इस तरह का एक पोजीशन है, पर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का मामला है, इसको थोड़ा मतलब जरूरत है कि लोग थोड़ा और गहराई से समझें, सिंपलिस्टिक उसमें ना समझें क्रिमिनल लीगल ये वो, और इसमें बहुत सारी बीच की वो है, तो डीक्रिमिनलाइजेशन के लिए आर्ग्यू करते हैं जो ज्यादातर एडवोकेसी जो है इसके अराउंड, पर ये काफी कंटेंशियस इशू है ये मेरा, मैं कहूँगी। आपने बताया कि नट कंजर बेड़िया ऐसे मतलब बहुत सारी कम्युनिटीज है, तो ऐसे और कौन कौन से इलाके इंडिया में है जहाँ ये होता है और किस तरीके से होता है? नहीं तो ये बिहार में मैंने बताया ना, MP UP ये राजस्थान तो है ही, दिल्ली में भी, मैं ये कोई फिक्स्ड वो नहीं है, ये लोग जहाँ पे भी कम्युनिटीज हैं और हर जगह ये इस तरह से आइडेंटिफाई नहीं होता ना आसानी से, अगर आपकी फैमिली कहीं रह रही है, लड़कियां कहीं और हैं तो, और जहां तक एक तरफ एक चीज देखिए कि ये इस टाइप की चीज और कम्युनिटीज में भी होती होगी, ये कहना कि ये सिर्फ यही कम्युनिटीज ये काम कर रही है ना, वो थोड़ा उस टाइप की पोजिशन मैं नहीं लेना चाहती हूँ और वो गलत भी है और उससे इन लोगों के ऊपर स्टिग्मा बढ़ता है, ये ज्यादातर काम ये छुपके होता है, ये काम ऐसा स्टिग्मेटाइज है कि ज्यादातर लोग छुपके ही हो पाता है, तो उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है कहाँ कहाँ से ये कहना आसान नहीं, ये कुछ वेल नोन कम्युनिटीज हैं जो कि कहना चाहिए कि खुल के इस काम में हैं, लेकिन ये कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे होता है इसका एक, ये मेरे ख्याल से सभी जगह होता है, सारी ऑल ओवर इंडिया किसी ना किसी फॉर्म में ये है, और इसको क्यों, ये आपको शायद इतना अजीब सा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने ज्यादातर इस धंधे को ऐसा सोचा है कि इसका फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है, ये लड़कियां ये ऐसी ज्यादातर यही स्टोरी बनाई जाती है फिल्मों में भी और पॉपुलर कल्चर में भी कि हाय वो लड़की उसके घर से भाग गई या उसके अपने लवर के साथ वो चली गई फिर उसको उसने बेच दिया, जैसे गंगूबाई उसमें भी यही स्टोरी है कि ये एक तरह का मास्टर नैरेटिव है कि भाई जो वो उसका अपने परिवार से कोई लेना देना नहीं है फिर वो कर रही है काम ये वो, लेकिन ये मेरे हिसाब से ये सच नहीं है और ये एक तरह का एक फसाड है क्योंकि फैमिली, कोई फैमिली इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती कि वो इस टाइप का काम अपने का खा रही है, तो इस वजह से ये बात छुपी रहती है, खाली इन कम्युनिटीज में शायद ये सामने आ जाती है, लेकिन लेकिन मेरा ये सोचना है, इसका कोई मैं एविडेंस नहीं दे सकती आपको, कि ये काफी वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस है, इसको कहीं थोड़ा छुपा के कहीं कर कैसे करके, और बहुत परिवार इस तरह की इनकम से शायद, मतलब टोटल जो भी ये वॉल्यूम है इस ट्रेड का, ये नहीं है कि खाली बेड़िया उसमें ही वो परिवार संलिप्त है, और भी लोग जो इस काम में है उनकी फैमिलीज भी, अब देवदासी है वो भी एक तरह का फैमिली प्रोस्टिट्यूशन ही है, उसको रिलीजियस एक आप वो दे दीजिए, लेकिन उनकी फैमिलीज भी उसमें इन्वॉल्व रहती हैं। सिमिलर है इसके? जी हाँ, बहुत सिमिलर है, काफी सिमिलर है, क्योंकि वो भी
उसमें भी फैमिलीज ही डेडिकेट करती हैं, फैमिलीज ही तो डेडिकेट करती हैं अपने अपनी लड़कियों को, कोई वो कोई और आके डेडिकेट नहीं करता। और ये काफी मतलब आप देखेंगे ज्यादातर मार्जिनल कम्युनिटीज जो बहुत वीक कम्युनिटीज हैं सोशियो इकोनॉमिकली, जिनके पास कुछ नहीं है, वही कम्युनिटीज हैं जो इसमें डोमिनेंटली मिलेंगी। मतलब वही है अगेन, एक एक चीज नहीं है इसमें, अलग अलग तरीके तौर फॉर्म लेती है ये प्रोस्टिट्यूशन, तो अपर क्लास भी होगा कुछ भी होगा तो वो भी है, इसकी भी हायरार्कीज हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंटली जिस तरह का हम जैसे ब्रॉथल प्रोस्टिट्यूशन या रेड लाइट एरियाज वगैरह में देख रहे हैं हम, तो ये काफी वीक बैकग्राउंड से लोग आते हैं। और उसमें कितने लोग की फैमिलीज इसमें इन्वॉल्व हैं इसका अंदाज लगाना आसान नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सिर्फ इन्हीं लोगों का, ये इन्हीं को नहीं हम कह सकते। एक चीज जो सबसे बड़ा इशू इनको लेकर आता है प्रोस्टिट्यूट्स को लेकर, वो ये कि इनकी आइडेंटिटी आधार कार्ड पे तो है, बट वैसे हम एक्सेप्टेंस देने को तैयार नहीं है, ना कोई फैसिलिटीज गवर्नमेंट देने को तैयार है। जैसे कि कोविड के टाइम पे देखा गया कि दिल्ली के जो रेड लाइट एरियाज हैं उनमें लगभग उनकी हालत बहुत खराब थी, उन्हें किसी तरह की फैसिलिटीज नहीं दी गई। तो इनके अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या काम कर रही हैं और किस तरीके से कर रही हैं? अब इसका ये क्वेश्चन का मैं जवाब इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि ये मेरी पुरानी रिसर्च हो गई अब, लेकिन काफी ये मैं कह सकती हूँ कि उस एक टाइम था कि मेन फोकस था एड्स अवेयरनेस के बारे में काफी, और काफी सालों से जैसे ये कलकत्ते वगैरह में सोनागाछी है उसमें ये दरबार महिला समन्वय समिति, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इस तरह की काफी एक्टिविटीज रही हैं, मतलब और मतलब कलेक्टिव्स बनाना इन लोगों के, उनको अपनी राइट्स के लिए उनका वो करना, वॉइस करना, इस तरह के काफी वो रहे हैं, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव ये चीज मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि अभी रिसेंट उसमें मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है। मैम जो इससे आगे सबसे बड़ा सवाल जो उठ के आता है कि हाउ स्केरी इज इट टू बी अ प्रोस्टिट्यूट? तो नहीं, ये सवाल उन्हीं लोगों के दिमाग में उठेगा जो कि इससे बहुत दूर हैं ना। देखिए मैंने बोला ना, जैसे जो लोग इसमें काम में हैं, इसमें रिस्क हैं, इस काम में कोई इसमें शक नहीं है कि रिस्की है, क्योंकि आप किस तरह के लोग आपके स्ट्रेंजर्स हैं किसके साथ, तो वो उसका एक सिस्टम भी बन जाता है फिर उसमें प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को। और ऑब्वियसली जो आप बिल्कुल इससे बाहर हैं आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, लेकिन जो जो काम करता है वो उससे यूज्ड टू हो जाता है, तो ये मतलब ऑब्वियसली कोई भी नया काम आप करेंगे तो उसमें आपको डर लग सकता है। एक टीचर होना भी स्कैरी हो सकता है एक स्टूडेंट होना भी स्कैरी हो सकता है, और या फिर कोई भी नया काम आप करें तो यस, इसमें एक एक अलग टाइप का ये इसमें रिस्क या एक तरह की जैसे कहना चाहिए एक इंटीमेट लेबर, बॉडीली लेबर है जो कि हो सकता है बड़ा डिफिकल्ट। पर मैं इसको मैं कहूँगी कि लोग हर तरह के काम को यूज हो जाते हैं करने के लिए, तो इसको कोई अलग टाइप की कैटेगरी में नहीं उस तरह से डालिए। एक है अलग भी है, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल ही कुछ एक्सेप्शनल वो है। बहुत तरह की बॉडीली लेबर में हम लोग इन्वॉल्व होते हैं जो कि काफी हम लोगों के लिए अनफेमिलियर होता है। अब एयर होस्टेस हैं, उनको हर वक्त हंसते रहना है, स्माइल करना है, ये भी एक काफी स्ट्रेसफुल चीज हो सकती है, तो इनका भी अपना अलग टाइप का स्ट्रेस है इसमें, जो कि ऑब्वियसली वी शुड नॉट अंडरमाइन इट। बट मैम जो कम उम्र की जो लड़कियां इसमें धकेली जाती है तो उनके लिए तो स्केरी होता होगा ये पूरा। अब ये सब मतलब एक्चुअली देखिए वहां पे बेड़िया का कम्युनिटी का ये है क्योंकि वहां पे ये एक ट्रेडिशनल वो बन गया है, और तो उन लोग इसमें सोशलाइज हो जाते हैं और फैमिली का सपोर्ट है उनको, है ना, तो उनके लिए मेरे ख्याल से ये चीज जो जहाँ ट्रैफिकिंग होती है, जहाँ जबरदस्ती किसी को और जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, तो वहां पे एक शायद क्या मतलब जरूरी बहुत ट्रॉमेटिक वो है क्योंकि इसमें रेप भी हो सकता है, इसमें हर तरह की जबरदस्ती वायलेंस वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है किसी को इस धंधे में इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो उस सब ट्रू। और शुरुआत में ऐसा जो बेड़िया समाज में भी जरूरी नहीं कि हर लड़की ये काम करना चाहती है, तो जब वो नहीं चाहेगी तो उसके साथ भी ये सब हो सकता है, तो ऑब्वियसली। लेकिन आप ये याद रखिए कि
कई बार लड़कियां जब उनकी शादी होती है वो भी काफी स्कैरी एक्सपीरियंस होता है, अरेंज मैरिज में आप किसी के साथ आपकी शादी हुई, आप उसने आपको कभी उससे मिले नहीं, वो भी हमारे यहाँ भी रिसेंटली मैरिटल रेप पे पूरा कोर्ट केस भी चला है। तो मतलब ये सेक्सुअल रिलेशंस विद अ स्ट्रेंजर वाली चीज खाली प्रोस्टिट्यूशन में ही नहीं है, ये और उसमें भी है कॉन्टेक्स्ट में, जहां पे भी वो काफी स्केरी हो सकता है जब आप जिस ऐसी उस रिलेशन में आपको भेजा जाए जिसमें आप नहीं जानते दूसरे आदमी को और दूसरा आदमी आपका फायदा उठा सकता है, उसका पावर है आपके ऊपर। तो ये मतलब उसको थोड़ा ब्रॉड करके देखो तो आपको लगेगा कि ऐसा तो औरों के साथ भी हो सकता है और होता है, और बहुत सारे मतलब इस तरह की डरावनी एक्सपीरियंस के लिए हमारी हमारा समाज काफी फेमस है, लड़कियों के साथ तो हर तरह के गलत व्यवहार होते हैं हमारे यहाँ, सड़क पर रात को चलना स्केरी हो सकता है जी। तो वो उल्टे लड़कियां काफी हिम्मत वाली हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने तो सब चीजों को डील किया होता है, वो तो काफी अच्छे से हैंडल भी कर लेती हैं सबको। मैम जो एक चीज है कि हम प्रोस्टिट्यूशन जैसे विषय के खिलाफ जो अवेयरनेस फैला सकते हैं पॉपुलर कल्चर के थ्रू, बट उसमें जब गंगूबाई और हीरा मंडी जैसी मूवीज आती हैं तो क्या वो इस चीज को उल्टा नहीं कर देते? ये खाली ये एक दो नहीं है, तो बड़ा लंबा ट्रेडिशन है इस तरह की फिल्म्स का जिसमें यू नो मैंने हीरा मंडी नहीं देखा है बट दिस आइडिया ऑफ प्रोस्टिट्यूट विद अ गोल्डन हार्ट और यू नो इसको थोड़ा उसको ग्लैमराइज करके, ये एक लंबा वो रहा है उसका कुछ पार्टली वो एक कल्चरल ट्रेडिशन जो था उसको शायद वो एग्जैजरेट करके दिखाता है, जैसे ये उमराव जान और ये पाकिजा इस तरह की मूवीज और इस तरह का पहले का कल्चर, वो क्योंकि इसका एक लिंक रहा है नाच गाना कल्चर जैसे ये ना तवायफ कल्चर जो रहा है, या तो वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बस एक क्रास प्रोस्टिट्यूशन ही चीज है, वो भी है लेकिन ये सब भी है। मतलब कुछ मैं भी जो जब मैंने ये फील्ड वर्क किया था इस पे, मेनली मेरा फील्ड वर्क भरतपुर में था लेकिन मैंने मुरैना वगैरह इस तरह के एरियाज में भी जहाँ पे कि ये पुराना इसका सिस्टम रहा है, और वहाँ पे कुछ जो काफी ओल्ड जेनरेशन की महिलाएं थी उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे अपने मतलब वो प्रॉपरली ट्रेन्ड डांसर्स थी कथक वगैरह, और वो उस मतलब एक ये इसका एक ओल्डर फॉर्म था जिसमें कि ये एकदम ये डेली वो धंधे का टाइम का नहीं था, उसमें ये कि वो दो चार लोगों से वो लोग रिश्ता बना सकती हैं, वो शादी नहीं करेंगी लेकिन मेनली वो एक तरह की आर्टिस्ट हैं या एक एक कल्चरल वो हैं। और इस ये खाली इंडियन सोसाइटी में नहीं, ये इस तरह की चीजें काफी और दुनिया की काफी कंट्रीज में इस तरह की कल्चर रही है कि, और इवन जैसे ये वैशाली की नगर वधु या वगैरह इस तरह के पुरानी जो नॉवेल्स वगैरह हैं और इसमें भी आप पढ़ेंगे तो ये आइडिया की एक तरह का ये गणिका या इसका एक एक कल ये रहा है अध्यक्ष की बात कर हाँ कि वो एक मतलब एक जो ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं थी उनका एक तरह का और कल्चर्ड महिलाएं उनका एक अलग टाइप का समाज में प्लेस जहाँ पे वो एकदम ये गृहस्थी वाली उसमें नहीं, और इस तरह का उसका थोड़ा एक सेक्सुअल आस्पेक्ट भी रहा लेकिन वो मेन नहीं। तो ये मैं ये नहीं कह रही कि ये जो रिप्रेजेंटेशंस हैं ये बिल्कुल ठीक हैं ये गंगूबाई या हीरा मंडी वगैरह, लेकिन वो एकदम उसको ये बिल्कुल उसको मतलब सारी ये सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन यही नहीं है और सारा प्रोस्टिट्यूशन ये नहीं है, मतलब ये एक फॉर्म एग्जैजरेटेड फॉर्म है और भी इसके कई तरह के रूप हैं और सब चीजें एक सी नहीं है, इसमें आप किस पोजीशन पे हैं ये फर्क है। कोई महिला इसमें बहुत डोमिनेंट पोजीशन में भी हो सकती है जो बहुत और महिलाओं को कंट्रोल करती है, जैसे वो भी है जैसे गंगूबाई कठियावाड़ी में ना कि वो एकदम ऐसे पोजीशन में, तो वो पोजीशन भी होती है घरवाली नाम भी है। हाँ वो वहां से पहुंच के वहां भी होती है वो, लेकिन उसके नीचे और भी पोजीशंस होती हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये कोई बिल्कुल फॉल्स वो पढ़ा पहुंचा वो कर रहे हैं, लेकिन हाँ उसको ग्लोरीफाई कर सकती हैं हो सकता है, लेकिन एक फिल्म नहीं है ना, ये तो बहुत तरह की फिल्म्स हैं इस सब पे, और खाली इस सब से नहीं लोग अपना भी खुद भी सोच रहती है उनकी चीजों के बारे में, तो ये एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग चीज हो जाती है। जो आखिरी बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसी जो कम्युनिटीज हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या हमें इसको
कंटिन्यूस रहने देना चाहिए या इसके रोकथाम के लिए कुछ करना चाहिए, और कर सकते तो क्या? देखिए, ये हम ऐसा, पहली बात तो ये है कि ऐसी बहुत सारी एफर्ट्स होती रही हैं, ये नहीं है कि ये हो रहा है और कोई कुछ नहीं कर रहा है। खुद आप अंदर से भी उनमें से रिफॉर्म मूवमेंट्स हुई हैं, लोगों ने बहुत पूरी पूरी जिंदगी बिता दी है उन लोगों के साथ रह के। आप इसको समझिए कि ये अल्टीमेटली लाइवलीहुड का मामला है। तो अगर ये खाली एक उसी ट्राइब, बहुत सारे लोग हैं हमारी सोसाइटी में जिनको लाइवलीहुड का इशू है, कुछ लोग इस तरफ चले गए, कुछ लोग और किसी तरफ चले गए हैं। तो अल्टीमेटली जब तक एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड और डेवलपमेंट पैराडाइम नहीं पूरा समाज फॉलो करेगा, सब बच्चों के लिए एजुकेशन नहीं होगी, उनके लिए बेसिक सर्वाइवल वो नहीं होगी, तो ये अलग से कोई इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा मेरे हिसाब से। और वो एक तरह की उसकी सेल्फ परपिचुएटिंग लॉजिक बन गई है, जिसमें कि हमारा समाज भी उसका अभिन्न अंग है, हम भी उसमें पड़े हुए हैं, हमें प्रमोट तो हम ही कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो वो अपने आप नहीं प्रमोट कर रहे हैं उसको, वो तो आपसे यही बोलेंगे कि आप लोग आना बंद हो जाएंगे तो कैसे चलेगा ये सब, है ना। तो ये इसके लिए एफर्ट्स चलते रहने चाहिए, पर इसको हम कहते बंद कर दे तो क्या है मतलब, ये तो एक तरह का ये है कि कोई प्रॉब्लम है उसको आप दबा देंगे तो वो कहीं और से निकल के आएगी, फिर वो और कोई रूप ले लेगी। तो ये वही मैंने कहा ना, जैसे अलग अलग जगह पे हैं, एक जगह आप बंद करते हो दूसरी जगह चले जाते हैं, क्या करेंगे? तो उनको अब खाना तो है ना, सरवाइव तो करना ही है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ उनको तरीका निकालना ही पड़ेगा। वैसे तो आपने सारे कॉन्टेक्स्ट को कवर ही कर लिया इस टॉपिक के, बट आखिरी में जो हम अपने लिए पूछना चाहेंगे कि आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग सब। एंड मैं नॉर्मली एग्री नहीं करती हूँ, इनफैक्ट मैं ज्यादातर ये टेलीविजन इस तरह के इंटरव्यूज के लिए बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ, लेकिन क्योंकि आप लोग इतने सिंसियर स्टूडेंट्स हो इसलिए मैंने एग्री किया इसके लिए, और अच्छा एंजॉय किया मैंने। आज हमने प्रोफेसर अनुजा मैम से जो बातें की, उनमें जो बातें इम्पोर्टेंट है वो ये कि प्रोस्टिट्यूशन कोई ऐसा काम नहीं है जिसको कि बहुत कलंकित नज़र से देखा जाए। वो कलंक लग सकता है जब हम अपने नज़रिए से देखते हैं, पर अगर हम सामने वाले के नज़रिए से देखें जो वो काम कर रहा है, तो उसकी जो ज़िंदगी का सर्वाइवल है वो उसी पर टिका है, हमें उसे उसकी नज़रिए से देखना चाहिए। और ये कोई ऐसा काम नहीं है जो खुद से उभर के आ गया है, हमने इसे प्रमोट किया है, हमारे ही समाज से लोग हैं जो उनके पास जाते हैं, जो उस काम को प्रमोट करते हैं, जिनकी वजह से वो चल रहा है। सो इसको रोकने का और इसको चालू रखने का कोई तरीका या इसको कोई नियम नहीं है, इसका एक ही तरीका है रोकने का, और वो है शिक्षा। उस पर पूरा फोकस किया जाए तो ही इसमें सुधार लाया जा सकता है। धन्यवाद।